हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ और आप लोगों के साथ एक बात है। रोड के ऊपर गाड़ी जा रहा है ना, बहुत आवाज़ आ रहा है, इसलिए मैंने अपने व्यूअर्स को बहुत ही प्यार करती हूँ, तो उसी प्यार की ये फ्रेंड की हक से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। रिक्वेस्ट मैं कर सकती हूँ, फोर्स तो नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और जो फ्रेंड्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस देख वॉच कर रही है, प्लीज़ मैं उसको भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वॉच करते रहिए मेरी फुल वीडियो, एंड तक फुल वीडियो वॉच कीजिएगा तभी अच्छा लगेगा। आप आधा अधूरा देखेगा, स्किप करके देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा यार। प्लीज़ फुल तक वॉच कीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट कीजिए। तो गाइस, मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ कि अपना किचन में, और आप लोगों को भी साथ में लेकर हाजिर हो गई हूँ। मैंने किचन का वीडियो इससे पहले नहीं दिए हूँ मेरे इस चैनल पर। तो देखिए, ये मैंने सब्जी चढ़ाया, सब्जी बन रहा है, और बेटा स्कूल जाएगा उसके लिए भी खाना तैयार हो गया है, और कुकर में दाल अभी भी पकाना बाकी है थोड़ा सा। और ये इधर आलू पटल का सब्जी बनेगा, और बेटा खाना खा के स्कूल चला गया। गाइस, वीडियो एंड तक देखना प्लीज़, तभी आपको अच्छा लगेगा। और मछली भी बनाऊंगी, ये रूई फिश है, तो आज एकादशी है, मम्मी जी नहीं खाएगी, हम तीनों के लिए है। ये चार पीस घर में था तो ये चार पीस ही मैंने बना लिया, और दो पीस होता तो अच्छा होता, लेकिन दो पीस के लिए और नहीं खरीदी क्योंकि कल सैटरडे है, और सैटरडे ऑल्सो हमारा वेज डे है, इतना गाड़ी जाता है ना, आवाज़ बहुत आता है। तो इन मछली को मैंने आलू से बनाऊंगी, इसलिए आलू को भी भूंज लिया। और खाना बनाना मेरा रेडी अभी तक नहीं हुआ, वो मछली बस बन रहे हैं। मैं इधर घर को थोड़ा झाड़ू दे रही हूँ, घर झाड़ू होते होते मेरा मछली रेडी हो जाएगा, और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, थोड़ा झाड़ू कर लूँगा। मैं एवरीडे नहाने से पहले थोड़ा घर को झाड़ू लगाती हूँ। और मेरी लैंग्वेज को थोड़ा मजाक मत लीजिए, मैं बंगाली हूँ, तो मेरी चैनल में बंगाली और हिंदी दोनों का ही लैंग्वेज में मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ना फ्रेंड। जल्दी जल्दी मुझे काम ख़त्म करना है, बहुत लेट हो जाता है, अभी तो दिन बहुत छोटा हो गया। तो गाइस, मैंने देख ना, मैं नहा के आ गई हूँ, नहाना कंप्लीट हो गया है। नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश फील करती हूँ, सवेरे से किचन में ही ज़्यादा टाइम रहती हूँ तो बहुत गर्मी लगता है, तो ऐसा लगता है कब जाऊँ और शावर में ले लूँ। शावर लेने से ना थोड़ा अच्छा फील होता है। और नहाने के बाद थोड़ा सा तो लड़की लोग या लड़का लोग थोड़ा क्रीम वगैरह तो लगना चाहिए, मॉइस्चराइज़र, ये बहुत स्किन के लिए ज़रूरत है। हम लोग जो सोप फेस वॉश यूज़ करती हूँ ना, उसके बाद ये लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा, स्किन डल हो जाएगी, स्पॉट आ जाएगी। फिर भी मेरी स्किन तो ऑयली स्किन है, बहुत सारा पिंपल्स वगैरह होता है, क्या करूं।
और जब पिंपल्स निकल जाते हैं उसके बाद फिर स्पॉट आ जाता है। अभी मैं जाऊंगी छत में अपना कपड़ा डालने के लिए। नहाने से पहले जो कपड़ा मैंने धोए थे वो कपड़ा मैं थोड़ा डालने जाऊंगी छत में। छत में तो यार बहुत धूपा है, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। थोड़ा सिंदूर भी लगाना है, ये बहुत ही ज़रूरी है सिंदूर लगाना। ये काम कंप्लीट हो गया। गाइज मैंने पूजा कर लिया, पूजा मेरा हो गया। ये देखिए पूजा मेरा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए गाइज मैंने किया लेकर बैठ गया, ये है कुकुम्बर। ये क्या बोलता है आप लोग? हम लोग बंगाली में तो इसको नाड़ू बोलता है। नहाना हो गया, पूजा भी हो गया, तो मुझे थोड़ा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो उसके बाद मैं पानी पीऊँगी, इसलिए मैं ये खा रही हूँ। किसका किसका ये खाना पसंद है? ये क्या है मालूम है? ये तिल कुट है, तिल और गुड़ से बनता है। सब तो खाते ही होंगे। इसको खा के थोड़ा पानी पी के मैं सो जाऊंगी। एक बज गया है, मुझे लंच करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं जब नहा के आती हूँ ना, पूजा करती हूँ, तब मुझे बहुत नींद आता है। जब मैं लंच करूँगी ना, वो नींद मेरा छूट जाता है। बाद में मुझे नींद नहीं आता है, तबीयत थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो इसलिए मैं 2-4 दिन से ही कर रही हूँ। नहाने के बाद ही मैं तुरंत सो जाती हूँ। 2 घंटा तक मैं सोकर उठकर मैंने 3-3:30 बजे लंच करती हूँ। अभी पानी पीना है, उसके बाद की कुंभ। घर में तो अभी कोई नहीं है, बेटा स्कूल और हस्बैंड अपना काम में, और मम्मी जी डॉक्टर के पास गए हैं। मैं अपने काम, खाना बनाना वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, वो तो मैंने थोड़ा थोड़ा शेयर आपके साथ कर लिया है। और मैं 3 या 3:30 बजे लंच करूँगी। मालूम नहीं कब कितने बजे आएंगे वो। आते ही मुझे डोर खोलना पड़ेगा, तब तो नींद का हो गया, नींद ऐसे ही चलेगा।
अभी थोड़ी मैं हाथ धोकर आती हूँ, उसके बाद थोड़ी लेट जाऊंगी। तो गाइस फाइनली मैं सो गई हूँ, अभी 1:15 हो गया। तो देखते हैं कब कितने बजे आते हैं, जब आएगा तब तो डोर खोलना पड़ेगा। मैं सोच रही थोड़ा आराम कर लूँ। उसी टाइम पर मैं जब सोए थे ना, तब सोचा जो चलो 2-4 शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ, तो देर हो गया था मुझे। गाइस मैंने ना अभी अभी सोने से उठा हुआ है, सोया तो तब 2:15 मैंने सोए थे, तो अभी लगभग 3:30 बज रहा है। बेटा स्कूल से आ जाएगा थोड़ी देर में, और मैं उठकर अभी खाने बैठ गए, लंच कर रही हूँ अभी। इस टाइम में खाने से ना बहुत तकलीफ़ होता है, लेट खाने से, लेकिन उस टाइम 1:30 को ना मुझे खाना बिल्कुल पसंद, खाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ। तो अभी मैं लंच करने बैठ गई।